हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। देखो भाई, हो क्या रहा है कि लद्दाख का सीज़न आ चुका है, हर कोई जा रहा है लद्दाख घूमने के लिए। और ज़्यादातर जो फेमस है चीज़ वो ये है लद्दाख राइड, कि बाइक से आप लद्दाख जाओ। मनाली से कुछ लोग बाइक रेंट करते हैं और लद्दाख जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली से बाइक रेंट करते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से बाइक रेंट करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो अपनी बाइक लेकर जाते हैं पूरे इंडिया से। चाहे वो केरल की ही बात क्यों ना हो, सबसे नीचे वाले कोने की तरफ से हर एक बंदा लद्दाख राइड करने के लिए जा रहा है। बहुत दूर दूर से लोग लद्दाख राइड करने आते हैं। अब आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि लद्दाख राइड करने जाना तो है, लेकिन कौन सी बाइक सही रहेगी लद्दाख ले जाने के लिए। अगर रेंट करनी है, अगर अपने पास बाइक है, तो हो सकता है आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि क्या मेरी बाइक लद्दाख जा सकती है। और अगर आप रेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कौन सी बाइक रेंट करूं जो आराम से लद्दाख का जो सर्किट है उसको कंप्लीट करवा सके और कोई परेशानियां ना फील करनी पड़े। तो आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि कौन सी बाइक लद्दाख जा सकती है। अब देखो, ये जो सवाल है ना कि कौन सी बाइक लद्दाख जा सकती है, तो मैं इसका जवाब दूंगा बहुत ही सिंपल सा, कोई भी बाइक। कोई भी बाइक जो पेट्रोल वाली है वो इजीली लद्दाख का सर्किट कर सकती है। देखो, इलेक्ट्रिक बाइक भी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको चार्ज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो ये एक मसले वाली बात है। तो इलेक्ट्रिक बाइक को साइड कर देते हैं। कोई भी बाइक जो पेट्रोल पर चल रही है वो आराम से लद्दाख जा सकती है, इवन स्कूटी भी। अब आप लोग ये सोचोगे कि यार क्या बता रहा हूँ मैं, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप स्प्लेंडर से भी लद्दाख करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप प्लेटिना से भी लद्दाख करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर लोग बड़ी बड़ी बाइकें क्यों लेके जा रहे हैं? सवाल ये है, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या आराम से कर पाएंगे, परेशानी नहीं होगी? तो भाई मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप 150 सीसी सेगमेंट से नीचे की कोई बाइक लेकर जाते हैं लद्दाख राइड करने के लिए, तो राइड तो आपकी हो जाएगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर ऐसा हो सकता है कि जब स्लांट ज़्यादा हो और आपको उतर कर उस बाइक में थोड़ा सा धक्का लगाना पड़े, या बाइक को उतर के फिर आपको आगे की तरफ चढ़ाना पड़े, या पहले दूर ले जानी पड़ेगी, फिर एक फ्लो बनाकर लाना पड़ेगा उसको आगे चढ़ाने के लिए। तो ये कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन 100 सीसी की बाइक भी लद्दाख जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक बीच में ही अटक जाएगी, जा नहीं पाएगी। और ये परेशानियाँ भी लद्दाख के अंदर इसलिए झेलनी पड़ती हैं क्योंकि उस जगह पर ऑक्सीजन कम है। इवन इंसान को चढ़ने में परेशानी होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और सेम आपको अपनी बाइक के अंदर भी फील होगा। चलते चलते ऊपर की तरफ ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो सही तरीके से नहीं जलता, और जो इंजन है वो पावर कम जनरेट करने लग जाता है। और जब इंजन पावर कम जनरेट करता है तो उसकी वजह से बाइक को दिक्कत होती है, आपकी गाड़ी को दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। लेकिन ये दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपकी 100 सीसी की बाइक वहाँ पे चल ना सके। चलेगी, थोड़ा पावर कहीं पर कम हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको धक्का लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर 100 सीसी की बाइक से जाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान लोड करके ना ले जाए। या बहुत ज़्यादा का मतलब है कि आप अगर ले जाना चाहते हैं अपने साथ में 30 किलो 40 किलोग्राम तक ले जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। और 30-40 किलो भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप अपना सामान पैक करके ले जा रहे हैं। इवन 20 किलो सामान भी बहुत होता है अगर आप जा रहे हैं 12-14 दिन के लिए लद्दाख राइड करने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा भरेंगे, वो आपको पता होगा किस तरीके से आप भरेंगे, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, सोलो करना डबल में मुश्किल हो जाएगी। तो फिर बात करते हैं कि यार बेस्ट बाइक कौन सी रहेगी। ये तो चलो काम चलाने वाली बात होगी कि जा सकती है, लेकिन बेस्ट कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ, कोई भी बाइक जो 150 सेगमेंट के या उससे ऊपर है वो ईजिली लद्दाख राइड आपको करवा देगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पर आपको धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ईजिली आप आना जाना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात सुन लेना भाई, कि जो बाइक है ना वो वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, अच्छे से सर्विस करवा के लेकर आना। और सबसे बड़ी चीज़, क्लच प्लेट जो है वो आपकी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 150 सीसी सेगमेंट क्या 500 सीसी सेगमेंट की बुलेट भी लेकर आ जाएंगे, या फिर आप कोई हैवी बाइक भी लेकर जाएंगे, अगर उसकी क्लच प्लेट जली हुई है तो फिर वो चढ़ने से वहाँ पर मना कर देगी, इवन कार तक मना कर देगी अगर उसकी क्लच प्लेट सही नहीं होगी। तो क्लच प्लेट जो है वो सही होनी चाहिए, चाहे इवन कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे वो बड़ी बाइक ही क्यों ना हो, क्लच प्लेट सही है तभी आप ऊपर चढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको परेशानी होगी। तो 150 सेगमेंट या उससे ऊपर की कोई भी बाइक अगर आप लेकर जाते हैं तो वो ईजिली आपको लद्दाख करा देगी। फिर आप ये सोचेंगे कि यार फिर लोग क्यों ऐसे रिकमेंड करते हैं कि बुलेट लेके जाओ, या फिर लोग हिमालयन क्यों लेके जा रहे हैं। ज़्यादातर यही दिखता है लद्दाख राइड पर, कि या तो लोग बुलेट से जा रहे हैं या फिर हिमालयन से जा रहे हैं। अभी जो नया कल्चर आया उसके अंदर लोग डिफरेंट बाइक लेकर जाने लगे, लेकिन उससे पहले एक फैशन था कि लोग बुलेट से करते थे, उसके बाद हिमालयन आ गए तो लोग सोचते हैं कि हिमालयन बेस्ट है। तो भाई एक बात बता देता हूँ,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलेट के बारे में। हिमालयन को साइड कर देते हैं, हिमालयन एक प्रॉपर टूरर बाइक है, उसे टूर के पर्पस से ही डिज़ाइन किया गया है, उसका डिज़ाइन ही उसी वजह से है। बुलेट ही जा सकती है, वो एक ओल्ड थॉट है। एक ज़माना था जिस टाइम पे अगर हम लोग बात करें बुलेट या फिर रॉयल एनफील्ड 350cc सेगमेंट से जितनी पावर वो जनरेट करती थी, और वो पावर की आती 20 bhp। तो अगर आप देखें तो एक टाइम था इंडियन मार्केट के अंदर जब 20 bhp जनरेट करने वाली कोई बाइक थी ही नहीं। एक वक्त था जब बुलेट जितनी पावरफुल कोई बाइक नहीं होती थी। बुलेट जितना टॉर्क जनरेट करती है, बुलेट के अंदर जितनी पावर थी अराउंड 20 bhp, वो और किसी बाइक के पास नहीं था। तो इंडियन मार्केट धीरे धीरे डेवलप करी है, लेकिन उस टाइम पे जब किसी बाइक में पावर नहीं होती थी तो लोग लद्दाख के लिए बुलेट लेके जाते थे, और उस टाइम से ये थॉट चला आ रहा है कि बुलेट जा सकती है। भाई कोई भी बाइक जा सकती है जो 150 सेगमेंट या उससे ऊपर की है, बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि आपने बुलेट ही लेकर जानी है। इवन आपको अगर सही तौर पर बताऊँ तो बुलेट एक भारी बाइक है, तो उसको ले जाना भी अवॉइड करना। क्योंकि पहली चीज़ ये है, अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है बुलेट की, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप रेंट करते हैं तो बुलेट को ना रेंट करें तो बेहतर है। भारी बाइक है, सीट जो है बुलेट की वो कंफर्टेबल नहीं है, पिलियन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पिलियन 100 किलोमीटर अगर उस पर ट्रैवल कर ले पीछे बैठ के, एक पिलियन को आप ले जाते हैं तो उसके बाद उससे आप उसकी हालत पूछना, बुलेट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती है लॉन्ग राइड के हिसाब से। लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया है कि दूसरों ने कहा है बुलेट लेके जानी तो बुलेट ही जा सकती है। नहीं भैया, बुलेट बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है राइड करने के हिसाब से, लॉन्ग राइड बुलेट पे करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ आप मान सकते हैं कि लोग सच को अपनाना नहीं चाहते, इसी वजह से बुलेट ले लेके जा रहे हैं। तो बुलेट से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक मार्केट के अंदर है, जो बहुत इजीली आपको लद्दाख राइड कंप्लीट करवा सकती है। आप बुलेट की जगह दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, वो है हिमालयन। हिमालयन आपको बहुत आराम से लद्दाख राइड करा देगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। इवन हिमालयन भी हैवी है और वाइब्रेशन भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्मूथ बाइक चाहते हैं तो वो ऐसी बाइक चूज़ करना जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, कोई भी नेकेड बाइक। इवन अगर आप देखें जो ड्यूक है, KTM ड्यूक, वो आपको बहुत आराम से करवा सकती है। पल्सर NS200 बहुत आपको आराम से करवा सकती है, NS160, NS200, इवन अपाचे जो नेकेड है आप उस पर बहुत आराम से राइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बाइक है जो आपको बहुत इजीली राइड करवा सकती है, जैसे अपाचे 160 हो गई, अपाचे 200 हो गई, पल्सर NS160 हो गई या फिर 200 हो गई, ये ड्यूक 200 हो गई, ड्यूक 390 हो गई, ये बाइक बहुत इजीली आपको लद्दाख करवा सकती है। हाँ, इन बाइक के ऊपर एक मसला होता है कि पीछे इसमें लगेज कैरी करना, अगर आपका बहुत ज़्यादा लगेज है तो मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा लगेज हो तो हिमालयन है आपके लिए, आप आराम से लगेज कैरी करके ले जाना। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये माइंड सेट करके बैठे हुए कि बुलेट ही जाएगी, रॉयल एनफील्ड की सिर्फ हिमालयन ही जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत ईजिली कोई भी बाइक जा सकती है। एक और चीज़ है, लद्दाख के रोड कंडीशन पहले बड़े ख़राब होते थे, अभी रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पहले के कंपेयर में। पहले तो रोड आप कह सकते हैं कहीं कहीं पर था ही नहीं, आपको पूरा ऑफ रोड ही करना पड़ता था। तो अभी इजीली कोई भी बाइक बहुत आराम से लेह तक पहुंच सकती है, पेंगोंग लेक पहुंच सकती है, मतलब लद्दाख का जो सर्किट है वो बहुत ईजिली आप किसी भी बाइक से कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और मुद्दों पे बात करते हुए। और अगर आपको किसी मुद्दे पे या आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पे या किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।